ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 12.2। सो व्हाट इज इट सेड ओवर देयर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें क्या करना है, जस्ट एरिया का, सेक्टर का एरिया निकालना है। सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सो द गिवन थिंग ओवर हियर इज, व्हाट इट इज गिवन, रेडियस दिया हुआ है हमें, तो रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ओवर हियर इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया हुआ है दैट इज थीटा। तो थीटा इज हाउ मच, 60 डिग्री। थीटा इज हाउ मच, 60 डिग्री। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट, वी आर सपोज टू फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर, नो, वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, करेक्ट। सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, जहां पे क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, दिस थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री। दिस थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई। अब पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है इस एक्सरसाइज के लिए, हमें जहाँ भी आएगा पाई का वैल्यू हमें 22/7 ही लेना है। सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6, ठीक है। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, 6 ये कैंसिल आउट होना हो जाएगा, तो 60 टाइम्स 1 6 और 1 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तुम्हारे बच क्या रहा है, 22 इंटू 6/7। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग, ओके। सो इसको क्या करेंगे, 26 2 12 कैरी 1, 6 2 12 कैरी 1 + 1 13, सो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द सेक्टर। दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, समझ रहे हो, कोई डाउट, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अब तुम चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, जहां पे तुमको डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा, अप टू 2 डेसिमल यू शुड मूव। अगर नहीं भी करना है तो भी ठीक है, यू कैन जस्ट टॉप इट ओवर योर ओनली, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट। लेट्स मूव ऑन अनदर सम, द नेक्स्ट सम, जहां पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो हमें क्या बोला हुआ है, इन शॉर्ट अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो, सो सपोज यू हैव अ सर्कल, ओके। सो सर्कल ऐसा दिखने वाला है, जहाँ पे ये क्या ओरिजिन है, ठीक है। सो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये एक जो पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट। दिस पार्ट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट। अब ऐसे हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स है, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स, ओके। सो हमें क्या पता है कि हमें पूरा सर्कमफेरेंस पता है, बस हमें क्या निकालना है कि ये सर्कल निकालना है। अभी इसको अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। दिस सर्कल को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, आई टेल यू हाउ। फर्स्ट वील राइट व्हाट इज गिवन कंडीशन एन। सो गिवन क्या है हमारे पास, द गिवन कंडीशन ओवर हियर इज सर्कमफेरेंस, जिसको हम सी से लिखते हैं, सर्कमफेरेंस सी इज हाउ मच, 22 सेंटीमीटर। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब कोई भी एक क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट सेम ही दिखते हैं। क्वाड्रेंट मतलब एक, तुमने क्या किया, एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। सो हमें क्या फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो दिस वी फाउंड आउट ओवर हियर। नाउ हमने कुछ फाइंड नहीं किया, हमें करना है।
सो सॉल्यूशन क्या है? दो तरीके कैसे हैं, एक तो एक है कि हम क्या करें, हमारा सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, उससे हम डिवाइड 22 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, और उस रेडियस से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ये एक तरीका है, ठीक है। अनदर वे क्या है कि हमें क्या पता है, सिंस हम सेक्टर के तरीके से जा रहे हैं, सो पूरा सरकमफ्रेंस हमें पता है, सो हम क्या करेंगे, टीटा अपॉन 360। अब एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, सो टीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर करेंगे, जिसकी वैल्यू, 2 पाई आर की वैल्यू 22 है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें वो सरकमफ्रेंस का पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, रेडियस मिल जाएगा, उससे हमें क्या निकाल देंगे, हम एरिया निकाल देंगे। सो हम देर आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच जिससे हम क्या कर सकते हैं, कर सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने तुम्हें दो मेथड बताया, सो हम सिंस सेक्टर है क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हो तो हम सेक्टर वाले तरीके से ही जा सकते हो, बट इन एग्जाम यू कैन गो बाय एनी मेथड जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होता है। सो सिंस हमें क्या पता है, फर्स्ट हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया, वी नीड टू फाइंड द एरिया। सो सिंस वी नो दैट सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, नाउ सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इक्वल्स टू 22, करेक्ट। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस 22 22 गेट्स कैंसल्ड, आर की वैल्यू विल बी नथिंग बट 7, इधर जाएगा 2 नीचे आएगा, दैट इज नथिंग बट आर इक्वल्स टू 7 बाई 2 सेंटीमीटर। सो ये क्या मिल गया हमें, रेडियस मिल गया, हमें क्या मिल गया, रेडियस। अब हमें रेडियस मिल गया, अब हम क्या करेंगे सॉल्व, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब ये चारों क्वाड्रेंट सेम ही होते हैं, फिगर में मेरे तुम्हें अलग अलग दिख रहे हैं, पर चारों क्वाड्रेंट सेम ही होते हैं। सो क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट क्या है, दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर, सो इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज नथिंग बट थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा क्वाड्रेंट कितने के डिग्री का होता है, 90 डिग्री, सो 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू 22 बाई 7, आर स्क्वेयर इज नथिंग बट 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2, ठीक है। सो ये कैंसल, 9 वन ज़ा 9 4 ज़ा, 1 7 और 1 7 कैंसल, ठीक। तो मेरे पास क्या बच रहा है, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 वन ज़ा 2 11 टाइम्स, सो इन शॉर्ट वी आर गेटिंग 77। 11 7 ज़ा कितना हो रहा है, 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2 बच रहा है, सो वी कैन राइट दिस एज, क्या लिख सकते हैं, 77, सॉरी यहाँ पे 2 है, सो 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, दैट इज 77 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वॉज द सेकेंड सम, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सम। थर्ड सम, अब यहां पे क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब जो वो मिनट का काटा है, हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितना एरिया कवर किया, मतलब वो जब कोई भी एक रैंडम से, लेट से 25 से 30 मिनट तक ट्रैवल किया, या 1 से 5 मिनट तक ट्रैवल किया, या उसने जो भी एक पर्टिकुलर टाइम में 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब उतना डिस्टेंस में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, हमें वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो हम लिखेंगे, सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर इज, व्हाट इज गिवन, लेंथ, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये लेंथ ऑफ द मिनट हैंड मतलब वो एक रेडियस बोल सकते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी रेडियस, दैट इज नथिंग बट 14 सेंटीमीटर, ओके। ये दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, वी नीड टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अब ये सम सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा क्लॉक का बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही होगी, बचपन से हम क्लॉक देखते जा रहे हैं। सो एक जो क्लॉक होता है, एक जो क्लॉक होता है उसमें सपोज ये मिनट हैंड है, एक तुम्हारा मिनट हैंड होता है और एक तुम्हारा क्या होता है आर हैंड होता है, बराबर। और कुछ उस क्लॉक में तुम्हारा सेकेंड वाला हैंड भी होता है जो सबसे बड़ा वाला होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सो ये मिनट हैंड में कितने मिनट्स होते हैं पूरे एक रोटेशन में, देयर आर 60 मिनट्स। वन रोटेशन कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स, वन रोटेशन कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स, मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 60 मिनट्स दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब उन्होंने 360 डिग्री ट्रैवल किया, करेक्ट। सो हम सेम लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं। सो इन 60 मिनट्स मिनट हैंड ट्रैवल्स 360 डिग्री, ओके। इन 60 मिनट्स मिनट हैंड ट्रैवल 60 डिग्री, देयरफॉर इन वन मिनट एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड कितना होगा, एक मिनट में कितना होगा, कितना होगा 360 बाय 60, दैट इज 360 डिग्री बाय 60 मिनट्स, सो विच इज नथिंग बट 6 डिग्री, विच इज नथिंग बट 6 डिग्री। तो एक मिनट में वो 6 डिग्री ट्रैवल कर रहा है, सो 5 मिनट्स एंगल स्वेप्ट, 5 मिनट्स में कितना एंगल स्वेप्ट करेगा, इट इज नथिंग बट 6 × 5, दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री, करेक्ट। ये हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया। अब हमारे पास एंगल है, हमारे पास रेडियस है, हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स बाय मिनट हैंड इज इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो थीटा इज नथिंग बट 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है हमें, इंटू रेडियस कितना है 14 × 14, तो 3 × 1 = 312 टाइम्स, करेक्ट। 7 × 1 = 7 × 2 = 14, ठीक है। सो हमारे पास 2 × 1 = 2 × 2 = 6 सो क्या क्या बच रहा है हमारे पास देखते हैं अभी हम, 22 बच रहा है, 14 बच रहा और 6 बच रहा। अभी इसको भी हम कर लेते तो 11 बचेगा एंड 3 बचेगा, करेक्ट। सो 14 × 11 इज नथिंग बट 154 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, दैट इज नथिंग बट 154 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू कॉन्टैक्ट एंड आस्क, ओके।